हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 27 जून 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इन्फोसिस में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में हमें 0.78% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 1441.10 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए मतलब मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें मंडे के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर जो हमारे ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। कैंडल भी यहाँ पे एक छोटी सी बनी है, दोनों के साइड में हमें विक भी जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, आरएसआई 44-45 के आसपास आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइट पॉजिटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है यहाँ पे जरूर हमें अभी भी जो है नेगेटिव मूवमेंट जो देने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे डाउनसाइड जो मूवमेंट 1407 के आसपास जो गिरते हुए देखने मिला, जैसे उसको यहाँ पे क्रॉस किया तो स्टॉक में और डाउनसाइड 1377 तक जो है हमें देखने मिल सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप जरूर जो है शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी पर ध्यान दें क्योंकि ट्रेंड भी स्टॉक में जो नेगेटिव, साथ ही हमारा ओपिनियन भी आने वाले दिनों का जो नेगेटिव का है। अपसाइड मूवमेंट मैं यहाँ पे कहूँ तो कोई भी है, यहाँ पे हमें जो है अपसाइड लॉन्ग के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। तो नेगेटिव को हमेशा जो ट्रेंड को फॉलो करना है और यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड में शॉर्टिंग की जो अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर स्टॉक से जो एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन आर के चार्ट में और वहाँ पे देखते हैं स्टॉक में मंडे के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, ऑलरेडी कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है यहाँ पे मार्क थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें नया जो डेटा देखने मिला तो कुछ यहाँ पे नए डेटा के बेसिस पे हमें थोड़ी सी जो मार्किंग्स में जो चेंजेस करनी। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग एडिशनल मार्किंग्स और जो चेंजेस कर रहा हूँ मैं चाहूँगा आप भी जो है सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स और यहाँ पे एडिशनल जो है सेविंग्स जरूर जो है आप यहाँ पे कर लें। तो जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ जरूर जो आप अपने चार्ट पे कर ले। तो यहाँ पे ज़्यादातर अपसाइड के लिए हमें जरूरत नहीं था नीचे के साइड में क्योंकि स्टॉक ज़्यादा नीचे आ चुका था, इसके लिए नीचे के साइड में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए वो भी मैंने मार्क कर लिया है। बात करते हैं सीधा इसके क्लोजिंग की, 1441 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 1435 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है 1442 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो है मंडे के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कन्फर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1427 का, उसके बाद क्या आता है 1416 का।
यहाँ पे डायरेक्ट रेशन के बाद का अगला रेशन आता 1453 का, उसके बाद का आता 1464 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेशन यहाँ पे आपको बताए हैं, जरूर जो आप उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के मतलब मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग का है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट रेसिंग के पास में क्लोज हुआ इसलिए हमें जो है ओपनिंग जरूर एक पॉजिटिव देखने मिल से, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि ये अब पॉजिटिव के लिए जो मंडे के लिए आप यहाँ पे जो ट्रेड ले, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें। मोस्टली यहाँ पे आपको 11 से यहाँ पे 1 बजे के रेंज में जो है हमें स्टॉक जो रिवर्सल देते हुए देखने मिल सकता है, और फिर क्लोजिंग हमें जो नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में जो है वो दे सकता है। ओवरऑल यहाँ पे चांसेस थोड़े से आए कि एक न्यूट्रल सा जो हमें क्लोजिंग जो देखने मिले, तो थोड़ा सा यहाँ पे मंडे के दिन हम ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा कॉशियसली यहाँ पे ट्रेड करें, चाहे इंट्राडे कर रहे हो या फिर ऑप्शंस फ्यूचर ऑन ऑप्शंस कर रहे हो तब भी, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियसली काम करें। यहाँ पे अपसाइड के बाद थोड़ा सा रिवर्सल हमें देखने मिल सकता है। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।